हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। दैट इज इन द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। मीडियन इज 28.5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल आपका दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 60 तक क्लास इंटरवल, ठीक है। 0 to 10, एंड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5x 2015, 5x 2015 y, एंड 5। और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल नंबर समेशन ऑफ एफ आई है वो आपको दिया हुआ है 60। एन नंबर यानी एन इज इक्वल टू 60 आपको गिवन है, और मीडियन आपको यहाँ पे 28.5 दे रखा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ, ठीक है, और इनटू में एच। और इसका जो आंसर है हमारा वो आपको 28.5 दिया हुआ है। तो ये 28.5 इस साइड यूज कीजिए या फिर इसके इस साइड, ओके। वो हम एज पर क्वेश्चन यूटिलाइज करेंगे। अभी एल की वैल्यू एन बाई टू, एन बाई टू का भी हमें पता है, यहाँ पे एन आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 60, 60 है ना। तो एन बाई टू क्या हो जाएगा, 30। एच की वैल्यू क्या रहेगी, एच की वैल्यू भी सभी के अंदर 10 का डिफरेंस है, 10 एच का भी पता चल गया, ओके। प्रॉब्लम रहेगी आपकी कि सी एफ और एफ की वैल्यू और कौन सा एल लेंगे हम, क्योंकि एल की वैल्यू हमारी 0, 10, 20, 30, 40, 50 यहां तक है, तो कौन सा यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस हिंट का यूज करके, हम 28.5 का यूज करके। कैसे कि 28.5 आपका मीडियन जो कि आपको आंसर दिया, और वो किस में वेरी कर रहा है, 28.5 किस में कर सकता है, 28.5 किस में वेरी करेगा, 20 to 30 के बीच का ही तो नंबर है ना, तो इसलिए 20 to 30 क्लास इंटरवल का ये, यानी ये तो हमारा आंसर बन गया। क्लियर, आंसर क्या दिया है कि मीडियन क्लास आपका 28.5 है, जो किस में वेरी करेगा यहाँ पे 20 to 30 के बीच का नंबर है ये, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू 20। जितना आंसर हमारा मिल रहा है हम उसको फुल आउट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 20। एल की वैल्यू क्या होती है कि इसी फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट क्लास इंटरवल में क्या रहेगा, दैट इज एल, और वो है हमारा 20, ठीक है। सारे फैक्टर हमारे कंप्लीट, सिर्फ सी एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और सी एफ के लिए क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम सी एफ। क्या बताया था आपको कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 0 से लेकर 10 तक कितने कैंडिडेट है, 5, ठीक है। तो 0 से 20 तक कितने हैं, 20 तक मीन्स 20 से पहले वाला, 20 हमारा इंक्लूड होगा इसके अंदर, जो भी नंबर हम बोल रहे हैं वो इस साइड से कैलकुलेट करते हैं हमेशा, ठीक है। 20 से पहले तक का, तो 0 से लेकर 20 से पहले तक का कितने हो जाएंगे, 5 तो पहले ही थे, एक्स और एड हो गए, इसका मतलब 5 + x। ऐसे 30 तक के कैलकुलेट करेंगे तो 5 + x तो बन गए थे हमारे, 20 और ऐड कर देंगे, यानी ये ऐड करते जाओ इनके अंदर ऐसे। और कभी भी 20 को इसके साथ नहीं करेंगे हम, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को उसी के साथ, 25 + x। यहाँ पे करेंगे 25 and 15, 40 + x। अगेन 40 + x तो था ही, अब y और ऐड हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, इसमें ये ऐड करेंगे।
और ये एक चीज नोट करना, ये जो हमारा टोटल होता है ये इसी के इक्वल होता है, ठीक है। 40 प्लस 5 यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ओके। इनको थोड़ा सा मैं इस साइड लिख देता हूं, यहां पे हमारे पास वैल्यू, एल की वैल्यू क्या थी 20, एन कितना है हमारा 60, तो एन बाय 2 क्या हो जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड अप करेंगे 30, फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी 20, ठीक है। और एच की वैल्यू, एच इज 20 टू 30 का गैप कितना है, दैट इज 10, ठीक है, हो गया यहां तक। अब इसी क्वेश्चन में CF की वैल्यू क्या करते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा ना उससे जस्ट अबो जितने भी डिजिट है उन सब का सम, तो 5 प्लस एक्स यानी कि आप सीधा डायरेक्ट करते हो तो फ्रीक्वेंसी से जो CF की वैल्यू वो एक स्टेप अपर, ऐसे तो CF क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स। सारी वैल्यूज का पता चल गया, फॉर्मूले में पुटअप करते हैं और आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। एल है 20, ठीक है, 20 प्लस एन बाय 2 की वैल्यू हमारी है 30 माइनस CF की वैल्यू क्या है। अब यहां पे मिस्टेक करते हैं कि CF की वैल्यू को 5 प्लस एक्स तो ब्रैकेट में लिखो या तो, ठीक है, सॉल्व आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं माइनस 5 प्लस एक्स कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना, अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो अंदर के या तो सारे साइन चेंज कर दो या फिर एक बार आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट वन इज F 20 और इनटू में एच इज 10 और इज इक्वल टू 28.5, ओके। अब इनको सोल्व आउट करना है तो कैसे करेंगे हम, कि एक तो अंदर का या फिर मैं 10 को उस साइड 20 को उस साइड, कब कब लेके जाना है ये, ओके। सो स्टार्ट करते हैं यहां से कि अब पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, 20 प्लस 30 ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन, इसलिए अंदर के सारे चेंज हो जाएंगे, डिवाइड बाय 20, ठीक है, इनटू में जो इनटू में जो 10 है, जो इनटू में 10 है वो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो मैं इसको उस साइड ट्रांसफर कर रहा हूं, 28.5 डिवाइड बाय 10, हो गया एक स्टेप कंप्लीट। अब मैं इस 20 को उस साइड लेके जाऊंगा, या फिर अगर ऐसा नहीं भी करते तो मैं दोनों बता देता हूं आपको, अगर आप ऐसा नहीं करते तो यहां से जो 10 है ना इसको मैं इससे भी कैंसिल आउट कर सकता हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। नेक्स्ट वन 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा 25 माइनस में x, ठीक है। अब जो 2 डिवाइड में वो यहां पे हमारा, ओके, कहीं पे आप टोटल को ना करके, इज इक्वल टू 28.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 20 है इस साइड जाकर माइनस का, तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा 25 माइनस x डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, ये 20 जो प्लस का उस साइड जाके माइनस 28.5 माइनस 20। नेक्स्ट वन 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस 20 दैट इज 8.5 और जो 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई के अंदर, ओके 25 माइनस एक्स 8.5 इंटू 2 8 इंटू 2 16 5 इंटू 2 1 17। अब हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, इसलिए माइनस x इज इक्वल टू 17, ये 25 साइड जाकर माइनस माइनस x इज इक्वल टू 17 माइनस 25 माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8 आ जाएगी, ओके। सारे कंप्लीट को हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू तो हमारी होगी 8, अब y की भी तो कैलकुलेट करनी है ना, y तो इसमें कहीं पे टर्म ही नहीं है हमारी, तो y को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये जो नंबर होता है हमारा टोटल,
वो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट होता है, ठीक है। एज वी नो द लास्ट स्टेप ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज या टोटल नंबर, ठीक है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 60। ओके, 45 एक्स की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहां से मैं वाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 60 माइनस 45 एंड 8 53। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 53 दैट इज 7। ओके, और यही इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था कि 8 और 7, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 8 और वाई की वैल्यू 7। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा सेकंड, ठीक है, नोट कर लेना ये। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड दैट, एक लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है, उसने क्या फाउंड किया कि द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। अब 100 पॉलिसी होल्डर दिया तो इसका मतलब एन की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना है एन, 100, ठीक है, एन इज 100 होल्डर्स। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द मीडियन एज, इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 ईयर ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर, कि 18 ईयर से स्टार्ट किया है और 60 तक ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये रहेगा कि इसमें क्लास इंटरवल कंप्लीट नहीं दे रखा मैं। ओके, तो मैं नोट करा वहाँ पे एज, इसमें हम दो टेबल बना देंगे मैं अलग अलग आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाइए, एक तो गिवन और दूसरा हम जो चेंजेस करेंगे। ओके, तो ये हमारा है गिवन डेटा, क्या दे रखा है हमें, एज इन ईयर्स, और दूसरा यहां पे रहेगा नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि टोटल नंबर ऑफ कितने, 100 है। ओके, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, सो फर्स्ट वन इज बिलो 20, बिलो 25, बिलो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 एंड 60, क्योंकि बिलो 60 तक ही हमारी जो पॉलिसी है वो वैलिड है। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको ये नोट करवा रखा है। ओके, ये एज इट इज सेम रहेगी सारे सारे। अब यहाँ पे बिलो का मतलब क्या होता है, से नीचे, से कम बोलते हैं जिसको, वो कि 20 से कम वाले कितने पॉलिसी होल्डर है, देट आर 2624, 2624 एंड नेक्स्ट वन इज 4578, 8992, 98 एंड 100। अब जो 100 है वो हमारा टोटल ही है, 100 तो टोटल है, तो क्या ये सिंपल फ्रीक्वेंसी में आ सकता है कि टोटल पॉलिसी होल्डर ही 100 है हमारे पास, और इसमें 100 यहाँ पे होगा 98, ऐसे तो अगर मैं इन सब का टोटल सम अप करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये तो लगभग 600 से भी ऊपर निकल जाएंगे, क्या पता भी, अगर मैं इन सब का एडअप करता हूँ तो 400 500 के लगभग जाएंगे, बट नंबर ऑफ तो हमारे पास टोटल ही 100 है। तो इसका मतलब है क्या ये फ्रीक्वेंसी है, फिर रियल में ये हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, बल्कि क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर आपको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। और यही हम इस सबसे पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें भी तो यही कर रहे थे ना, कि टोटल नंबर अगर आपका फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आ जाता है, नंबर ऑफ के अंदर आ जाता है, तो इसका मतलब वो हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी ना होकर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसी क्वेश्चन में भी सेम यही है कि ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में,
ठीक है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, सिंपल फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर रियल में कितने हैं किस क्लास इंटरवल के। अब देखो यहाँ पे बिलो 60 से नीचे वाले सारे हो गए 100। ओके, तो हमें क्या करना है कि इस पोर्शन को क्लास इंटरवल में प्रॉपरली कन्वर्ट करना है और इस सीएफ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और फिर हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ और इंटू में एच। ठीक है, अब हमारे पास ना एल का पता है ना एच का पता है, ठीक है, एन बाई टू 100/2 कर देंगे 50 आ जाएगा। सी एफ दे रखा है बट ये तो नहीं पता ना सी एफ यूज कौन सा करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे हम सिंपल वाली, यानी कि नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर की। कैसे करेंगे सुनो, अब कि ये जो हमारा एज दे रखा है, ठीक है, इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड करेंगे और क्लास इंटरवल हमारी कहां से कहां तक होगी कि बिलो 20। बिलो 20 का मतलब 10-20 कर दो, 0-20 कर दो या फिर 15-20 कर दो, बट एक कंडीशन दे रखी कि आप 18 से कम कर सकते हो, 19 से कम नहीं रखेंगे क्योंकि 18 वाला भी इसमें वैलिड है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कर सकते हैं या तो 15-20 कर दो बिलो ना, या फिर 0-20 कर दो, ठीक है, जो जो आपको बेटर लगे। तो मैं यहां पे मान लो स्टार्ट कर रहा हूं 15-20, वैलिड है 15 वाला भी क्योंकि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन में देखिए आप क्या दे रखा है यहां पे, द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स ऑन वर्ड, ठीक है, एंड लेस देन 60। 18 ईयर्स ऑन वर्ड एंड लेस देन 60, तो आप 0 से 20 भी करते तो भी वैलिड है वो, बट यहां पे 19-20 नहीं करना हमें। ओके, 15-20 कर दो, 0-20 भी ठीक रहेगा। सो करते हैं इसमें कन्वर्ट करेंगे इन सभी को हम 0-20 या फिर 15-20, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 55-60 का मतलब लेस देन 60, यानी 60 वाला तो नेक्स्ट स्टेप में काउंट होगा, 60 वाला भी काउंट नहीं है, 59 तक काउंट करेंगे अब, ठीक है। तो रहेगा कैसे, अब आपको क्या दे रखा है कि बिलो 20 के दो ही बंदे हैं, ठीक है, बिलो 20 कितने, दो, यानी कि 15-20 में दो ही बंदे आएंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी या फिर पॉलिसी होल्डर कर सकते हैं यहाँ पे हम। ओके, एफ आई 15-20 के कितने बंदे हमारे पास, सिर्फ दो बंदे, यानी ये दो तो निकल चुके हैं। अब आपको बताने हैं 20-25 के, ना कि टोटल 25 के नहीं बताने, बल्कि क्या बताने हैं, 20 से लेकर 25 के कितने बंदे हैं, यानी दो तो 20 से नीचे चले गए, दो तो ऊपर निकल चुके हैं ना, टोटल आपके पास 6 है, तो 6 में से जो 15-20 वाले वो तो दो निकल चुके हैं, बचे कितने हमारे पास, 4। ऐसे तो जो लास्ट क्वेश्चन के हम क्या कर रहे थे सीएफ बनाने के लिए एडअप कर रहे थे ना, तो अब हम क्या करते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट का 2 हो गया, अब 6-2 4, 24-6 18, 45-24 21, 78-45 33, 11 03 06 and 2, ठीक है। तो हमारी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हम इस टाइप से बनाएंगे, कैसे कि 100, ये देखो बिलो 60 में तो सारे ही आ गए, बट 55-60 तक यानी कि 65 से कम दो ही बंदे हैं हमारे यहाँ पे। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, क्या करना है अब हमें कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 दे रखा है, n बाई टू 50 हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, n इज इक्वल टू कितना हमारा 100, देन n बाई टू क्या हो जाएगा हमारा 50।
अब करना क्या है कि 50 किस क्लास इंटरवल के अंदर, अब इस वाले पोर्शन को देखेंगे, सीएफ का भी यहां पे यूटिलाइज करेंगे हम, इस वाले पोर्शन में 50 कहां पर है, 50। अब देखो कि सीएफ के अंदर, सीएफ वाली लाइन को चेक करेंगे हम, 50 यहां पे वेरी कर रहा है कि 45 से तो ज्यादा है, बट 78 से क्या है, कम है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि 50 है ना वो हमारा 45 से तो ज्यादा है, बट 78 से क्या है, कम है। तो कौन सी लाइन को हम यहाँ पे कैचअप करेंगे, दैट इज 78, यानी कि ये किसके सामने, अब n बाई 250, ये आप फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करो पहले, और फ्रीक्वेंसी जो हमने कैलकुलेट की वो ये वाली लाइन 50 के आसपास का नंबर है, दैट इज 33। ओके, यानी कि यहां से हमें आंसर का पता चल रहा है कि जो n बाई 2 है वो हमारा किस के अंदर वेरी कर सकता है, 33 के आसपास कहीं पे। सिंपल बताया था ना आपको कि इसके या तो इक्वल या इससे छोटा नंबर इस लाइन में जो इसके बिल्कुल पास में लगता हो, दैट इज 33। हो गया, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 33। सी एफ क्या बताया था आपको कि इस 33 से अपर ये वाला सम, ये वाला कर लो, या फिर यहां से इससे एक स्टेप ऊपर ये वाला, यानी कि 45, 45 हो गया। इसी लाइन के अंदर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35, और एच क्या हो जाएगा, एच 35 to 40 हमने यूज किया है 5 का, समझे आप, कि n बाई 2 हमारा जो 50 है वो क्या करेंगे हम, चेक कहां पे करते हैं, CF या फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर, देखो कि या तो उसके आसपास का कोई नंबर और उससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी, उससे छोटा, और उससे छोटा क्या हमारे पास 33 ही है, ठीक है ना, 33 हो जाएगा, L बीच का गैप H हो जाएगा, उससे ऊपर का जो नंबर रहेगा हमारे उन सब का सम होता है CF, वो आप यहां से डायरेक्ट उठा सकते हो एक स्टेप ऊपर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम, एल कितना है, 35, प्लस एन बाई टू की वैल्यू 50, माइनस सी एफ 45, डिवाइड बाई एफ 33, और इनटू में एच 5, ठीक है, 35 प्लस 50 माइनस 45, 5/33 और इंटू में 5, 35 प्लस 5 × 5, 25 डिवाइड बाई 33, ठीक है। अब 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटा ही रहेगा, कुछ क्या रहेगा, ये 1 से छोटा, तो इसके लिए हम 3 को डिवाइड करके देखो 25 को, दैट इज 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, ठीक है। तो हम 35 प्लस 0.7 समथिंग, तो आप एक ही डिजिट यूज कीजिए यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 35.7। और क्या क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम, ईयर यानी कि एज थी ये, ओके, 35.7 ईयर्स वाला है ना वो हमारा रहेगा मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। ओके, बाय बाय।